अच्छा, अब दोबारा समझिएगा ध्यान से। इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट्स हैं, एक है 4, -1, एक पॉइंट है -2, -3। तो इन्होंने पूछा है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उस लाइन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आपको निकालना है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हो गया कि ऐसे दो पॉइंट्स जो इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एपी इसकी भी लेंथ को के मान लिया, BQ इसकी लेंथ को भी के मान लिया, और QB इसकी लेंथ को भी हमने के मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैन बी फाउंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर आप ये देखिएगा, अगर मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास M1 क्या हो जाएगा, ए से लेकर पी तक की लेंथ। M1 = M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP = PB। भाई ए से लेकर पी तक की लेंथ हो गई के, और पी से लेकर बी तक की लेंथ हो गई 2K। तो हमने बोला M1 = M2 हो गया, A = 2K। ये सबको क्लियर है कि नहीं? सर यस ये जो रेशियो हो गया, जिस रेशियो में ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी इस पूरी की पूरी लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि पहले ए से लेके पी तक का डिस्टेंस देखेंगे, ये के है, और फिर बी से पी तक का डिस्टेंस देखेंगे, ये कितना हो गया 2K। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, K = 2K। रेशियो में K से K कट गया तो रेशियो क्या आ गया, 1:2। ये बताइए सभी को क्लियर? यस ठीक है। अब ए और यस बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट क्यू को भूल जाते हैं। तो हमने कहा कि अब ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे लिए हो गए X1 Y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे लिए हो गए X2 Y2। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि X1 Y1 और फिर M1। तो X1 Y1 कितना है, 4, -4 और -1, और M1 कितना है बेटा, M1 = M2 है, 1:2। तो M1 की वैल्यू हो गई 1 और M2 की वैल्यू हो गई 2। तो M1 की वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से ये होगा X2 by 2। तो मैं यहां लिख रहा हूं X2 कितना है, -2, और Y2 कितना है, -3, और M2 कितना है, 2। 1:2, M2 की वैल्यू 2 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब सीधा सीधा मुझे लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, M1 X2 + M2 X1 अपॉन M1 + M2 गामा M1 Y2 + M2 Y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है। हाँ, वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, M1 X2 1 × -2। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, M1 X2 यानी कि 1 × -2 कितना हो गया, -2 + M2 X1, तो 2 × 4 ये सीधा कितना हो गया, 8। डिनोमिनेटर में M1 + M2 1 + 2, सीधा लिख रहा हूँ मैं 3। उसके बाद देखिए M1 Y2, M1 Y2 कितना हो जाएगा, 1 × -3 ये सीधा हो गया -3 प्लस M2 Y1, तो 2 × -1 ये हो गया -2 अपॉन M1 + M2 कितना हो गया 3। 8 - 2 ये हो गया 6/3, -3 - 2 ये हो गया -5/3, 3 × 2 = 6, ये वैल्यू आ गई 2, -5/3। ये बता दीजिए सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। सभी को क्लियर यस है? बहुत बढ़िया। आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 2, -5/3। जब ये वैल्यू आ गई मेरे पास पी की, तो अब आप मुझे सीधा सीधा ये बताइए कि जब मैं पॉइंट क्यू निकालूंगा, तो पॉइंट क्यू निकालने पर हमारे पास ये आ जाएगा। आप देखिएगा पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू क्या है, पी और बी का मिड पॉइंट ही तो है। देखो क्यू का पी से डिस्टेंस कितना है, के, और
और q का b से डिस्टेंस कितना है, ये भी k, तो दोनों के डिस्टेंस तो सेम हो गए ना k और k। जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। बताइए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, तो हम ये बोलेंगे क्लियरली क्लियरली q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। Use the midpoint of PB. So, by midpoint formula, coordinates of Q is equal to x1 plus x2 upon 2. y1 plus y2 upon 2, ठीक है? अब x1 plus x2 क्या हो जाएगा? जब मेरे पास ये अब q इसका मिडपॉइंट है PB का, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1 plus x2 upon 2 मतलब 2 plus minus 2 upon 2, तो ये हो गया x1 plus x2 upon 2, और उसके बाद करेंगे y1 plus y2 upon 2, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। किसी भी बच्चे को ना समझ में आए प्लीज पूछना मेरे से दोबारा। ये हो गया टू माइनस टू अपॉन टू। यस सर, क्यू से आप देखिएगा कि क्यू जो है क्यू पीबी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पी से क्यू तक का डिस्टेंस भी के है और B से Q तक का डिस्टेंस भी K है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो Q इसका मिडपॉइंट हो गया। Yes, sir. है ना, दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये इसका मिडपॉइंट हो गया। अब जब ये इसका मिडपॉइंट हो गया तो मिडपॉइंट फॉर्मूला होता है x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, ठीक? तो ये वैल्यू डालनी है। तो अब Q जो है वो PB का मिडपॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। तो x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. तो y1 plus y2 क्या हो गया? Minus 5 by 3 minus 3. बताइए, छोटे समझ में आ गया? Yes sir, आ गया। अरे ठीक है, अब ये 2 minus 2 है, ये cancel out होकर हो गया बेटा। सर आज की ना सर वीडियो भेज देना, मेरा नेट नहीं चल पा रहा ढंग से, बफर कर। हाँ कोई नहीं, वीडियो तो मैं रोज भेज ही देता हूँ, आज की भी भेज दूंगा। ठीक है, जीरो अपॉन टू ये हो गया, तो और ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो माइनस फाइव और थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन अपॉन थ्री अपॉन टू। अब देखो माइनस ट्वेंटी एट अपॉन थ्री, ऊपर तो रैशनल नंबर है तो माइनस फाइव माइनस नाइन अपॉन थ्री और नीचे हो गया टू अपॉन वन, तो जीरो अपॉन टू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फाइव माइनस नाइन कितना हो गया माइनस फोर्टी मल्टीप्लाई बाई वन, और नीचे आ गया थ्री इंटू टू, तो टू सेवन जा फोर्टी। रुद्रांश बहुत जल्दी मचाते हो तुम, जीरो कॉमा माइनस सेवन अपॉन थ्री, सभी को क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर, हम इसको रेशियो दूसरी टाइम टू इज टू वन लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ, दूसरे टाइम आप टू इज टू वन रेशियो लेकर भी कर सकते हो, पर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिडपॉइंट फॉर्मूला थोड़ा आसान पड़ता है, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय टू करो, मिडपॉइंट फॉर्मूला तो ज्यादा आसान है इसलिए करा। ओके सर, इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री, बताइए सब बच्चों से हो गया क्वेश्चन थ्री? नहीं सर, मुझसे नहीं हुआ। ना मुझसे भी नहीं हुआ। नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री? ठीक है सर, मुझसे हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए आप लोग। ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। मैं यहां से करूंगा इसको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थ्री समझिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है
टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड एबीसीडी लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच ठीक है 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Okay. As shown in figure, Niharika runs 1/4 of the distance AD. 1/4 of the distance AD on the second line. Chalo, theek hai. And posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? भाई तीन हैं यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं जो दौड़ रही हैं एक का नाम है निहारिका एक का नाम है प्रीत और एक का नाम है रश्मि तो सबसे पहले जो ये दे रखा है ना ये जो इसमें दे रखा है डायग्राम ये एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे कि एक ग्राफिकल प्लॉट दे रखा हो एक ग्राफ पेपर दे रखा हो तो मुझे जरा उसके हिसाब से सोचना है देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा यहाँ पर ये दे रखा है कि ए बी सी डी ये जो पूरा का पूरा ग्राउंड है ना रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो इसको बोल दिया इसके कोने जो है वो है ए बी सी डी ये समझ लीजिए टॉप व्यू है उसका मतलब आप ये समझ लो कि कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है किसी स्कूल के स्पोर्ट्स मीट का उसको मैं टॉप से देख रहा हूँ ऊपर से देख रहा हूँ तो जब मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो आप ये देखिएगा कि ए से डी तक उन्होंने बोला कि 1 meter from each other, एक एक मीटर की दूरी पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं ठीक है तो यानी कि ये हो गया सर वो एडी है बेटा एडी 1 meter 2 meter 3 meter इसी तरीके से करते करते यहाँ पर 100 मीटर है यहाँ पर 100 मीटर है ठीक है उसके बाद जो एबी है एबी के एबी में इन्होंने बोला है कि चॉक पाउडर लगा रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ठीक है तो इधर भी 1 मीटर का गैप रखा गया होता 1 मीटर ये 1 मीटर फिर 2 मीटर फिर 3 मीटर फिर 4 मीटर फिर 5 मीटर फिर 6 मीटर तो ऐसे ही बहुत सारी लाइंस बनाई गई है तो पहली लाइन तो ये हो गई दूसरी लाइन ये हो गई तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन और ये छठी लाइन ऐसी और भी बहुत सारी लाइन बनी हुई है तो इसमें क्या है उन्होंने बोला निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी अब आप ये देखिएगा कि एडी में 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं तो ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी डिस्टेंस एडी बताइए कितना है अभी बोलो 100 मीटर 100 मीटर भाई एक एक मीटर की दूरी पर 100 पॉट्स रखे गए हैं तो टोटल 100 मीटर हो गया ठीक है तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 25 मीटर हो गया ठीक है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग तो निहारिका ने क्या करा ये जो सेकंड लाइन है इस सेकंड लाइन पर वो दौड़ी और उसने 25 मीटर के मार्क पर एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया ठीक है वो मैं इसको बोल दूंगा ग्रीन फ्लैग है ना मैंने इसको स्मॉल जी बोल दिया यहाँ पर लगाया तो बेटा इसके ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास ये तो हो गया 2 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कितना वो दौड़ी 25 मीटर तो ये
2.25 हो गया कि नहीं बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? सर यस सर 2.25 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं दिखा है? नहीं सर दिखाई दे रहा। ठीक है, जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पर उसने फ्लैग लगाया है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 2.25। उसके बाद उसकी फ्रेंड है प्रीत, प्रीत ने दौड़ना शुरू करा, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द एट लाइन। तो प्रीत कितना दौड़ती है? प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी, एडी का 1/5 दौड़ती है प्रीत, यानी कि 1/5 20 मीटर वो 20 मीटर दौड़ी। और कौन सी लाइन पर दौड़ती है प्रीत रन्स 1/5 ऑन द एट लाइन, ऑन द एट लाइन, तो एट लाइन यहाँ कहीं होगी, ये 6 है, ये 7 है, इसको बोल दीजिए आप 8, ये जो लास्ट लाइन है इसको 8 मीटर बोल दो। तो यहाँ पर वो दौड़ती है कितना, 20 मीटर तक। तो और यहाँ पर उसने ग्रीन फ्लैग लगाया था, और प्रीत जो है वो वहां पर एक रेड फ्लैग लगा देती है, तो आर जो रेड फ्लैग लगाया कौन से डिस्टेंस पर दौड़ी थी, वो 8 मीटर वाली लाइन पर, तो 8.20। बताओ जी ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए 8.20? यस सर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स क्या हो जाएगा, ये जी आर हो जाएगा, जी आर क्या, आप जी और आर को ज्वाइन कर लीजिए, बेटा क्या लग जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला सर। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25 का होल स्क्वायर। सर रूट क्यों कर रहे हैं जी, रूट हाँ बेटा डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, यहाँ से जी से लेकर आर तक डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसलिए। ओके हाँ जी, अब देखिएगा ये हो गया 36, 8 - 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 - 25, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो गया ये हो गया अंडर रूट 61 यूनिट्स। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। उसके बाद इन्होंने बोला यूनिट्स होगा मीटर लिखेंगे है? मीटर नहीं लिखेंगे यूनिट्स की जगह, अरे हाँ मीटर दे रखा है ना, मीटर लिखेंगे यहाँ पर, सही कह रहे हो, यू आर राइट, मीटर आएगा क्योंकि मीटर दे रखा है यहाँ पर। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि को इन दोनों के रास्ते के बढ़ा देने, हाँ तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वेयर रश्मि शुड पोस्ट अ ब्लू फ्लैग is equal to midpoint of GR, और GR का midpoint क्या हो जाएगा, formula लगाइए midpoint formula x1 plus x2 by 2
कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। अब x1 प्लस x2 बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 अपॉन 2। और 2 प्लस 8 का मतलब क्या हो गया बेटा, 10, 10 अपॉन 2 का मतलब हो गया 5। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, 2 प्लस 8 अपॉन 2 इसका मतलब हो गया 5 और 25 प्लस 20 यानी कि 45, 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22.5। तो आंसर में आप लिखेंगे Rashmi should post the flag at fifth line on 22.5 meter mark. बताइए जी सभी को clear है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Karthik, Divas, clear है? Yes sir. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद बताइए फोर्थ क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। यस सर। फोर्थ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट तो दे रखा है -3, 10, वो तो ए दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 6, -8, ये बी दे रखा है, तो x1 y1 और x2 y2 हो गए, और जो बीच वाला पॉइंट दे रखा है ना इनका, वो है -1, 6। तो रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो को हम क्या मानते हैं ऐसे में, k is to 1, यानी कि m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1। बताइए करवाना है, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था कल। नो सर। एक बार ट्राई करिएगा, आप अपनी नोटबुक देखना कल का या फिर कल का वीडियो देखना, कि इसमें जो आपको कल जो एग्जांपल वो आप देख लेना, वो तो आंसर में देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि पेज नंबर 164 पर एग्जांपल नंबर 7 है, ये कल करा था, बिल्कुल सेम है। आप एक बार करके देखना, जो रेशियो को ने पूछा है वो रेशियो को हमें लेट करना है k is to 1, रेशो को मानेंगे k ratio 1, और फिर जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशो होगा। तो इसको करके देखना आप, एग्जांपल 7 की तरह है, ये बड़ा आसान है, हो जाएगा। 5 बताइए, 5 में किसी को प्रॉब्लम है? यस सर मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a (-5) एंड b (-4), 5 is divided by x-axis. x-axis एक लाइन जो है 1, -5 और b (-4), 5। एक काम करिए, देखिए कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो उसमें रेशियो अगर पूछा जा रहा है तो रेशियो को k is to 1 लेना है, 1 is to 1 कभी नहीं लेते। अगर आपने रेशियो 1 is to 1 ले लिया, दैट मींस के जो भी निकल कर आएगा वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। 1 is to 1 का मतलब क्या है कि m1 और m2 दोनों आपने इक्वल ले लिए, तो 1 is to 1 कभी भी रेशियो को नहीं लेंगे। जो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप k is to 1 लेंगे और तब करेंगे। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं ना पहले ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर
ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स है, ये हो गया एक्स डैश। अब इसके बाद यहां पर मैं ना इस पर पॉइंट्स प्लॉट करूंगा, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। उसके बाद आप लीजिए वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5, और इसी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस में 1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये मैंने एक तरह से आप समझिए कि जैसे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें जब आप देखिएगा क्या करना है, मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं। हाँ सर, ये वाई एक्सिस आपको उल्टा लिखा है ना, वाई डैश जहाँ पे वहाँ पे वाई होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये उल्टा बना दिया, ये ऊपर वाई है और नीचे वाई डैश है, ठीक है। अब जब देखिएगा इसमें इन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं, एक दिया है 1, -5, तो 1 पर एक्स पे 1 वैल्यू और वाई पर -5, तो 1, -5 ये पॉइंट यहाँ होगा, ये 0 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, तो 1 पर वैल्यू -5 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 1, -5। इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा ए, कैपिटल ए, 1, -5 को, ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को? सर दे रहा। हाँ जी, दूसरा पॉइंट लेंगे -4, -5, तो एक्स पर लेंगे -4 और -4 पर ऊपर बढ़ेंगे ये, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी, -4, -5। और अब आप क्या करो, ए और बी को ज्वाइन कर दो, आपने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये कोऑर्डिनेट्स बताइए कि ए और बी, ये तो एक लाइन सेगमेंट बन गया, आप ये बताइए कि एक्स एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये बताना है। तो एक पॉइंट दे रखा है, सर इसमें दिख रहा है कि लाइन -2 से होकर गुजर रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें? नहीं नहीं, ये -1 से होकर गुजर रही है, आपको कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी, आप सीधा सीधा देखो, ये दे रखा है पॉइंट 1, -5 और ये पॉइंट दे रखा है -4, -5। वो पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूँ तो x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 हो जाती है कि नहीं, ये बता दीजिए। हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो वहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जहां पर भी मेरे से x एक्सिस बोला जाएगा तो वहां y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जहां भी y एक्सिस बोला जाएगा वहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं इसके बाद इस क्वेश्चन को यहां पर कर रहा हूं इस तरह, चलिए। अब इसके बाद हम यहां पर करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम ये बोलेंगे कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
has coordinates x, comma, 0. X axis पर y की वैल्यू कुछ नहीं होती, y की वैल्यू 0 होती है, x, comma, 0. फिर हमने कहा let the ratio in which ratio पूछा गया है ना इसमें, let the ratio in which x axis divides the line AB be m1 is to m2 is equal to k is to 1. वो जो रेशियो है उस रेशियो को हम क्या मानते हैं, k is to 1. जब भी रेशियो पूछा जाएगा मैं k is to 1 मानूंगा. और x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा x, 0. तो हम कहेंगे कि a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये जो है ये दे रखा है 1, -5 और b दे रखा है -4, -5. तो जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 हो गए वो 1, -5 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए -4, -4 और 5. और जो रेशियो है m1 और m2 जो मुझे निकालना है वो मैंने माना है k is to 1, तो m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1. m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1. तो अब आप ये कहिएगा कि by section formula ये x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्मेट के होते हैं, x, 0, मतलब उसमें y की वैल्यू 0 हो जाती है. तो बाईसेक्शन फॉर्मूला मैं अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं p x, 0, तो ये मेरे पास बीच का पॉइंट हो गया. और m1 m2 a से b तक का जॉइन है, तो a वाला तो a से b तक हो गया m1 और ये हो गया m2. ठीक है, खैर अब मैं बोलूंगा बाई सेक्शन फॉर्मूला की एक्स वाई लिखते हैं ना, लेकिन एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के केस में वाई की वैल्यू 0 हो गई. तो पी एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2. अभी तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा है. तो px, 0 ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब m1 x2 तो वैल्यू देखिए m1 क्या है k और x2 क्या है -4, तो k इनटू -4 k प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है 1 इनटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन m1 + m2 क्या हो जाएगा k + 1 कॉमा m1 y2 तो k × 5 ये हो जाएगा 5k ठीक प्लस m2 y1 1 × -5 ये हो जाएगा -5 अपॉन m1 + m2 k + 1. मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रेशियो निकालना है. और जब रेशियो निकाला जाता है तो हम रेशियो को मानते हैं k = 1 और फाइनली जो k की वैल्यू होती है वही हमारा रेशियो होता है. तो क्योंकि x एक्सिस दे रखा था तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो मैं 5k - 5 को 0 के बराबर रख दूंगा. ठीक है, मुझे तो k से मतलब है. तो चाहे x कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट करो चाहे y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, दोनों में से किसी को भी करो, आपकी k की वैल्यू आनी चाहिए. तो हम यहां लिखेंगे वेटिंग सर, ये क्वेश्चन फिर से समझा दो.
मैं दोबारा बताता हूँ आपको, आप ये देखिएगा कि हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, -5। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, -5। वो ये बोलते हैं कि मैंने ए और बी को ज्वाइन कर लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। आप ये बताइए कि ये जो एक्स एक्सिस है ना बीच में, ये एक्स एक्सिस ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, रेशियो बताइए। ये जो एक्स एक्सिस है किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो मैं ये कहूंगा कि कोई एक पॉइंट तो होगा जहां पर एक्स एक्सिस और ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, 0। और ये आप समझ गए होंगे कि मैंने 0 क्यों लिया है इसको। 0 इसलिए बिकॉज ऑन x एक्सिस वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आएगी, ये तो पता है। यस सर, बताइए क्लियर है सभी को? यस सर, पूछा ना? ठीक है, अच्छा। उसके बाद m1 और m2 जो ये रेशियो है, जब रेशो मेरे से पूछे जाते हैं तो मैं m1 और m2 रेशो को क्या मानूंगा, k:1। बताओ अनुभव, क्लियर है? यस सर। तो ये 1:1 हो गया, वो k:1 हो गया रेशो, m1 और m2 का रेशो। अब इसके बाद क्या है कि ये रेशो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाया। देखो x1 y1 हो गया 1 और -5, x2 y2 हो गया -4 और 5, M1 और M2 मैंने क्या ले लिया, k:1, यानी कि k और 1, M1 की वैल्यू k और M2 की वैल्यू 1, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद px0, ये x0 के बराबर है क्योंकि बीच का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, 0। बताइए समझ में आया कि नहीं? दीपांशी? Yes, sir. शौर्य, लक्ष्य, प्रांजल, तीनों बताओ। यस सर। शौर्य और प्रांजल क्लियर है बेटा कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए जी, अभी देखता हूँ मैं इक्वेटिंग ना वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ y की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, 5k-5 / k+1 = 0। ये हो गया, अब k+1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, k+1 आ जाएगा, k+1 × 0 को क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। सर वैसे इक्वेट x के साथ कर सकते थे? हाँ, x को भी कर सकते थे, लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं पता। मुझे x की वैल्यू अगर पता होती तो मैं x को इक्वेट कर देता, मुझे तो y की वैल्यू पता है 0, इसलिए y को करा है। यस सर। k:1, यानी कि 1:1। बताइए जी, समझ गए कि नहीं समझे? चले आगे। यस सर। और जो 1:1 रेशियो डिवाइड कर रहा है ना, तो हम ये कहेंगे कि x एक्सिस उसको बाइसेक्ट कर रही है। 1:1 का मतलब क्या हो गया, वो मिड पॉइंट हो गया। चलिए जी, अब इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 6, किसी को डाउट है? यस सर। जिसको है डाउट उसको है, जिसको नहीं है उसको नहीं है, तो यस सर नो सर क्यों बोल रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया, कॉम्पिटिशन लगा हुआ यस सर नो सर बोलने का। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन्होंने बोला इफ 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू बतानी है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, आओ पहले तो
ये हो गया ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में होगा, पहला है 1 2 तो ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं 1 2, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कॉमा वाई, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या एक्स कॉमा 6, और फिर डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा 5। हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है, इसका डायग्राम बना लो AC, इसका डायग्राम बना लो BC, और ये बीच का पॉइंट हो गया, इसको बोल दो P, x, y, या सिर्फ P बोलिए, बीच का पॉइंट प्लस P बोलो आप, और कुछ मत बोलो अभी इसको। हम ये कहेंगे Since diagonals of a parallelogram, since diagonals of a parallelogram bisect each other, since diagonals of a parallelogram bisect each other, take parallelogram ke diagonals एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये जो AP है, ये जो AB है ये PC के बराबर है, और ये जो BB है ये DB के बराबर है ना, ये दोनों हमको इक्वल दे रखे हैं, इक्वल के डायगनल्स हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और आप ये देखिएगा दोनों डायगनल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं DB का मिड पॉइंट निकालूं तो भी पॉइंट P है, और अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालू तो भी पॉइंट P है। आप लोग समझ गए होंगे जी, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट तो सेम हो गया, और दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कहां करते हैं, इस बीच वाले पॉइंट पर ही तो। Yes, sir. तो जरा बताओ AC का मिड पॉइंट क्या होगा, AC का मिड पॉइंट भी यही है P, और BD का मिड पॉइंट भी यही है, तो AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ 1 plus x upon 2 comma 2 plus x upon 2, 1 plus x upon 2 comma 2 plus x upon 2 is equal to BD का मिड पॉइंट बताइए 4 प्लस 3 अपॉन 2 कोमा y प्लस 5 अपॉन 2, इक्वेटिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट्स, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2 सेमीकोलन 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y वाले के इक्वल, x वाले के इक्वल। अब यहां पर भी डिनोमिनेटर में 2, यहां भी 2 कैंसिल आउट, यहां भी 2, यहां भी 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 1 plus x is equal to 4 plus 3 कितना होता है 7, 2 plus 6 कितना होता है 8 is equal to y plus 5। अब 1 को इधर ले जाओ तो x कितना हो जाएगा 7 minus 1, x की वैल्यू आ गई 6, 5 को इधर ले आओ 8 minus 5 is equal to y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। बताइए सभी को क्लियर है x की वैल्यू, एक्सक्यूज मी सर, हां जी बताइए बोलो सर, इसकी जरूरत ही क्या थी अगर यहाँ पे 3.5 इसका ऑर्डिनेट है, 5 इसका अगर ऑर्डिनेट है और C का ऑर्डिनेट उससे 5 से 1 ज्यादा है 6, तो फिर y इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम पहले
सर डी का जो वाई कोऑर्डिनेट है हाँ. वो सी के वाई कोऑर्डिनेट से एक कम है हाँ. और सर पैरेललोग्राम की साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं तो अच्छा. y का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो a के y कोऑर्डिनेट से एक ज्यादा होगा. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आप बताना चाह रहे हो तुम. सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर d का y कोऑर्डिनेट 5 है हाँ. तो c का y कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है यानी उससे एक पॉइंट ज्यादा. तो जब हाँ तो जब a का y कोऑर्डिनेट 2 आएगा तो b का y कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा उससे एक ज्यादा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सही कह रहे हो हाँ. और सर ऐसे ही x भी निकल जाएगा लॉजिकली ऐसे ही x भी निकल जाएगा कि 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है तो इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी भाई 3 इससे 2 ज्यादा है 1 से तो x जो है वो 4 से 2 ज्यादा होना चाहिए यानी कि 6 ही आएगा. सर सही है बढ़िया दिमाग लगाया बहुत सही है ठीक है पर ऐसे ही करना मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताइए. सर अगर पैरेलल है तो उसका एक कोऑर्डिनेट लाइक एक ज्यादा है दो ज्यादा कैसे होता है. वो छोड़ो ना उसको ये बताओ मिड पॉइंट समझ में आ गया मिड पॉइंट से. यस सर. हाँ वो उसने ग्राफ बनाकर समझा उस चीज को कि ग्राफ बनाकर आप समझ सकते हैं. सर वो पैरेलल तो है पर ये जरूरी है वो उसकी जो निचली लाइन है वो पूरी एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल है एक्स एक्सिस. छोड़ो ना उसको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. मिड पॉइंट से समझ में आ गया ना. हां सर आ गया बस ठीक है. एरिया निकालना भी आएगा क्वाड्रिलेटरल का इसमें क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया. हां हां एरिया भी निकालने को आता है तो एरिया का फार्मूला अभी मैंने बताया नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा अभी. अच्छा सर वो हमें पिछले साल एक ट्रिक बताई थी एरिया निकालने के लिए. क्या पिछले साल ना हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिक बताई थी एरिया निकालने के लिए. हाँ हाँ तो वो कंफर्म करनी थी आपसे. बताओ क्या बताया था. सर उन्होंने कहा था ऐसे जैसे ये सामने जो फिगर है 1 2 और 4 3 या फिर ऐसे करके तो उनको ऐसे लिख दो 1 2 और एक एक नीचे लिख दो और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. चलो ठीक है यहाँ और भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 क्वेश्चन 7 बताइए किसी को डाउट है क्या. नो सर. सर आपने बस सर आपने 6 तक दिया था 6 तक दिया था ना. चलो जी तो 7 8 9 10 ये चारों आप लोग कल करके आना. ओके सर. ठीक है ये चार क्वेश्चंस कल करना बस यही होगा. यस सर. हाँ जी बस जी आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. ओके सर एक डाउट पूछ लूँ. हाँ बोलो. सर मैथ्स का डाउट नहीं है. फिर सर वो बस डाउट है बस. तुम मुझे डाउट भेज देना अभी ना दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है तो फिर मैं उसमें लेट हो जाऊंगा. चल मैं भेज दूंगा. हाँ मेरे को भेज देना मैं बता दूंगा तुमको क्या. थैंक यू सर. बाय सर. गुड नाइट. ओके बाय बाय.